सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंडर एक बार फिर आया सुर्खियों में। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते लोग हैं परेशान। अस्पताल में कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्टें खाली। आखिर कौन है जिम्मेदार, क्या है वजह? क्या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंडर के सहारे चल रहा अस्पताल? हेल्थ विभाग क्यों नहीं ले रहा इस पर कड़ा संज्ञान? परेशान मरीजों को जाना पड़ता है रजौरी या जम्मू? आइए देखते हैं मेंडर न्यूज डायरी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और करते हैं बड़ा खुलासा। आइए आपको खबर विस्तार से बताते हैं। एसडीएच मेंडर में डॉक्टरों की पोस्टें खाली होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर कितने परेशान हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि मेंडर एसडीएच में स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर मेंडर एसडीएच की बात करें तो यहाँ केवल एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जबकि बाकी के स्पेशलिस्ट की पोस्टें जो है वो खाली हैं। ऐसे में लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं कि मेंडर का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, जहां पर बालाकोट और मनकोट यानी तीन तहसीलें हैं और तीन तहसीलों में लगभग दो लाख के करीब लोग जो है वो रहते हैं, और ऐसे में 2 लाख लोगों का ये एकमात्र सहारा है मेंडर का एसडीएच हॉस्पिटल, और इसमें भी डॉक्टरों की कमी जो है वो काफ़ी जो है वो देखने को मिल रही है, जिस वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। इसके बाद लोगों ने एक बात और भी जो है वो कही है कि अगर यहाँ पर डॉक्टरों के पद खाली हैं तो उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा। ऐसे में डॉक्टर परवेज अहमद खान जो कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंडर हैं, तो उनसे भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने हायर अथॉरिटी से इसको लेकर बात की है, जबकि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी के चलते जो है वो काफ़ी पेशेंट जो है परेशान है, उन्हें या तो रजौरी जाना पड़ता है या फिर जम्मू जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ पर डॉक्टरों की जल्द तैनाती की जाए। आइए सुनाते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंडर डॉक्टर परवेज अहमद खान का। मेंडर दूरदराज इलाका में देखा जाए तो यहाँ से को लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है किसी भी इलाज के लिए जम्मू के लिए। अब मेंडर में लगभग 2 लाख की पॉपुलेशन है, 3 तहसील पर मुश्तमिल एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंडर है, और अगर यहाँ पर लोगों को डॉक्टर की जो कमी महसूस होगी तो लोग फिर यहाँ से सफ़र होंगे और लोगों को जम्मू या रजौरी या पुंछ का रुख करना पड़ता है। देखा जाए यहाँ पर तो मेंडर में जो फिजिशियन की जो है इस वक्त पोस्ट यहाँ पर नहीं है, वैकेंट है, और गायनोकोलॉजिस्ट की यहाँ पर पोस्ट अगेंस्ट था, जो वहाँ पर एक और डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि कुल मिला के जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए डेंटल्स का देखा जाए या सर्जन्स का देखा जाए तो अगेंस्ट द पोस्ट कोई भी डॉक्टर काम कर रहा है, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से गुजारिश करता हूँ और डायरेक्टर हेल्थ मिशन या जो भी इस एजेंसी को देखते हैं वो यहाँ पर इमीडिएट यहाँ पर जो है ये वैकेंसीज को पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो BMO साहब हैं ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और जो पोस्टें नहीं ना होने के बावजूद भी वो किस तरीके से काम ले रहे हैं, वो खुद सुबह आके 8 बजे से बैठते हैं और शाम तक यहाँ पर काम करते हैं, और इस पर काम होना चाहिए। लोगों के लोग सफ़र होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई कबाहत नहीं है, मैं कहूँगा लोग सफ़र होते हैं। जब लोग आते हैं यहाँ पर जो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिलता है, आप अगर देखो कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो छोटी सी चीज़ के लिए यहाँ पर से रेफ़र किया जाता है, हालांकि यहाँ पर स्ट्रक्चर अब बना है तो इसको यूटिलाइजेशन लानी चाहिए, तो वहाँ पर ये कमी है महसूस हो रही है। तो अगर यहाँ पर डॉक्टरों की शॉर्टेज को देखा जाए तो मैं ये क्या एज मेंडर का रहने वाला यहाँ मेरा घर है, मेरा दिल ये करता है कि जब हम मेंडर हॉस्पिटल में आते हैं हमें रोना आता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि 2 लाख की आबादी, आप बॉर्डर उस पार के जो हमारे लोग हैं वो भी इसी हॉस्पिटल में आते हैं, संगेओट चंडियाल से लेके बल्लोई तक जो 2 लाख लोग हैं हमारे वो इसी हॉस्पिटल में आते हैं अपनी परेशानी को लेकर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर PA खान और एक उनके साथ कोई और डॉक्टर है जो पूरे हॉस्पिटल को डील कर रहा है। यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है कि हमने, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ कि मैंने LGA की मीटिंग में भी ये पॉइंट उठाया कि तहसील मेंडर में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टरों की शॉर्टेज है, और DC साहब की मीटिंग में कई बार मैंने ये कहा कि जनाब हमें मेंडर में डॉक्टरों की बहुत शॉर्टेज है, हमारी उस शॉर्टेज को पूरा किया जाए।
या तो हमारी बात में असर नहीं या एडमिनिस्ट्रेशन को सुनने में फ़र्क पड़ता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इस वक्त की एलजी गवर्नमेंट से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डीसी साहब से, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पुंछ हैं, उनसे कि आप खुद आएँ और यहाँ मेन हॉस्पिटल की परेशानी को देखें और डॉक्टरों की शार्टेज को यहाँ पूरा किया जाए। हमारे पास कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेंडर में नहीं है। हमारी अगर किसी बच्ची की कोई दिक्कत होती है तो हमें रजौरी रेफ़र किया जाता है, कोई और परेशानी होती है यहाँ से पुंछ रेफ़र किया जाता है। मुझे ये पता नहीं कि हम मेंडर वाले जो गरीब लोग हैं हमारे, उन्होंने क्या कसूर किया हुआ है। हर एक मुसीबत का सामना डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, खासकर तहसील मेंडर को हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं बार बार ये गुजारिश करूँगा, गुजारिश के तौर पर कहूँगा CMO पुंछ से, डायरेक्टर हेल्थ से, कि आप तहसील मेंडर में डॉक्टरों की शार्टेज को पूरा करें। नहीं तो अगर इसी तरह चलता रहेगा तो एक महीने के बाद हम जब रोड पे बैठेंगे, आप यहाँ पे डॉक्टर पूरे करेंगे, उसके बाद हम रोड से उठेंगे। खुदा हाफिज़। देखिए, ये सब हॉस्पिटल मेंडर जो है ये बहुत दूर तक बिलोंग करता है, जैसे गली कालाबन हो गया, सागरा बुलनोई हो गया, संगियोट गली हो गया, वहाँ से हमारे लोग जितने भी हैं कम से कम 1.5-2 लाख आबादी जो है यहाँ पर सफ़र करती है। यहाँ पर सब हॉस्पिटल में सबसे बड़ी कमी ये है कि डॉक्टरों की जो है बहुत बड़ी शार्टेज है। यहाँ पर जो फिजिशियन हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो पता नहीं ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके, यहाँ पर हमारे लोग सफ़र हो रहे हैं और यहाँ से हमें रजौरी जो है हमारे लोगों को जाना पड़ता है, पूंछ जाना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ पर जो है सब डिवीजन मैनेजर जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारे डॉक्टर जो हैं यहाँ पर जो है तैनात किए जाएं और हमारे लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो सकें। ये बात सच है कि यहाँ पर डॉक्टरों की शार्टेज है CAC में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और मेरे पास डिग्री है, और किसी भी पेशेंट वगैरह को चेक करना कोई दर पदार ना हो तो उसके साथ भी इसे मैं कर रहा हूँ OPD या कैजुअल्टी में। तो बाकी रही बात जो इसमें फिजिशियन नहीं है हमारे पास, एनेस्थेटिक नहीं है और कुछ मेडिकल अफसर, एक रिटायर हो गया था, एक रिज़ाइन कर गया था, एक की ट्रांसफ़र हो गई थी टीम, वो काम में उसके लिए हायर अथॉरिटी को ऑफिशियल हमने रिक्वेस्ट की हुई है और उन्होंने अश्योरेंस किया कि विद इन डेज हम पोस्टिंग करेंगे। आपने सुना कि स्थानीय लोगों ने किस तरीके से अपनी जो है वो परेशानी बताई, और जबकि इस पूरे मामले को लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंडर डॉक्टर परवेज़ अहमद खान से बात की गई तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे पास पोस्टें जो है वो डॉक्टरों की खाली हैं। ऐसे में जहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरी बात है तो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और साथ में मेरे पास डिग्री है, जबकि मैं पेशेंट देख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस पूरी खबर से एक चीज़ ज़रूर सामने निकल कर आई है कि अब देखना बाकी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर हेल्थ हैं वो किस तरीके का संज्ञान लेते हैं, जबकि मेंडर के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से लोग खासे परेशान हैं। आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जुड़े रहिए मेंडर न्यूज़ डायरी के साथ।